सांभर बन रही है इडली। अच्छा सांभर ही रहा। अरे सहज तू तो रेडी हो गई है, कहाँ जा रही है? मैं मेरी फ्रेंड के बर्थडे में जा रही हूँ। अच्छा कौन सी फ्रेंड का बर्थडे है? मुझे उसने आई थी ना। कौन? उसका फोन आ गया है। फिर सहज जाएगी कैसे तू? मैं लेने आ रही हूँ। और फिर वापस कैसे आएगी? वो छोड़ने आएगी। मतलब उसने कैब सर्विस शुरू कर ली अपने जन्मदिन वाले दिन। चल अच्छे से एंजॉय करियो पार्टी। ओके गाइस अब कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है। और हमारे लिए ना केक वेक ले आइयो। केक जरूर ले आइयो। देख हमारे लिए केक ले आइयो, हमने थोड़ा केक खाना जल्दी। जब तेरा बेसब्री से इंतजार करेंगे। वरना ये व्लॉग में डालूंगा नहीं कल। अगर केक नहीं आया तो। एक घंटा हो गया तुझे बैठे हुए, तेरी कैसी फ्रेंड्स हैं? तुझे लेनी नहीं आई अभी तक। एक घंटा नहीं हुआ। एक घंटा हो गया है। 15 मिनट हुए। एक घंटा हुआ है। देखा मेरे आते ही आ गई है तेरी फ्रेंड। और मैं पहले आया था तो जल्दी आए थे। केक ले आई हो हमारे लिए? नो 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 नो। अनाहत को कह दियो बड़े पापा मेरे कह रहे थे केक दे दे। केक ले आई हो याद से? बाय बाय। ये मेरा फेवरेट बच्चा है और ये बच्चा सिर्फ गेम में लगा हुआ है। माइनक्राफ्ट। इतने दिनों बाद क्यों आता है तू मेरे को ये बता बच्चे? हैं कीरत? तेरे को मालूम है ना हम स्टंट्स किया करते थे पहले, कितना मजा आता था, है ना? अब तू थोड़ा बड़ा हो गया ना तो अब स्टंट करने थोड़े से मुश्किल हो गए हैं, पर मजा कितना आता था कीरत ये बता जरा। बता ना, तू बताती नहीं है कीरत। हैं मरने वाली थी मैं। गेम में ऐसे बोला कर, गेम में मरने वाली थी मैं। अच्छा बच्चे बता तो सही। अरे बच्चे इधर तो देख तो सही, बच्चे व्लॉग कर रहे हैं बच्चे। हम बच्चा देखता ही नहीं है, इतना प्यारा बच्चा हो गया नहीं देख रहा है। स्कूल जा रहा है बच्चा आजकल? बकरियां देख रही है पर मैंने स्नो कॉलम्स नहीं देख रहे। ओ अच्छा आजकल स्कूल जा रहा है मेरा बच्चा, हैं? पढ़ाई अच्छी पढ़ रहा है? फटाफट सोने चले जाते हो, रात हो गई। अच्छा कौन सी क्लास में है आजकल मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कौन सी क्लास में जल्दी बता। फोर्थ में। अच्छा तेरे को एक बात बताऊं? हां तेरे को एक बात बताऊं? मेरा घर कहां गया? कीरत तेरे को एक बात बताऊं? कीरत सुन। अरे क्या? उस दिन ना मैं तेरे पुराने वाले स्कूल के बाहर गया था, मजा आ गया, मजा मेरे को बहुत याद आई तेरे को। मैंने वहाँ जाके बहुत मिस किया। मैंने कहा मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता था, इतनी पास था हमारे घर के, अब इतनी दूर चला गया मेरा बच्चा। सहज हमारे लिए केक लेके आई है, पहले तो उसे खाने दे। अब असली नाम पे आ जाओ। माय नेम इज सहज। सहज सहज। चुप 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 चुप। अब सुनो सुनो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड वी आर ऑल्सो वेरी फाइन। आज है संडे और दिन की कर ली है शुरुआत। अर्श की तबीयत रात को काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी लेकिन अब ठीक लग रही है, नाउ इज़ फाइन। और फीवर भी अभी उसको है नहीं, तो अब हम निकलने लगे हैं दिल्ली की ओर और उसका कारण हम आपको बताएंगे रास्ते में। फिलहाल बस रेडी होते हैं और बस रेडी होके 1 2 3 तो हम गाड़ी में आ चुके हैं, बस शीतल और सहज आ रही हैं। वो आते हैं तो निकलते हैं और अर्श का काम करके आते हैं। हम जा रहे हैं लाजपत नगर दिल्ली इसकी लेने के लिए ड्रम्स की बुक। वो एक स्पेशल आउटलेट है जो म्यूजिक और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का। ये आ गई है सहज भी, देखो कौन आया। देखो कौन आया है, झूठी आई है, झूठी लड़की। यो चल बड़ी मम्मा। बड़ी मम्मा को बाहर गेट से लेंगे ना, थोड़ा तो तेरे को पता है ना, यू नो सेलिब्रिटी, यू नो यू नो। आज तो बड़ी लेट उठी है ना सहज। अरे हम पता है रात को बहुत लेट सोए हैं, अर्श की तबीयत ठीक नहीं थी ना, हम सुबह ही सोए हैं समझ ले 4 o'clock, पता है तुझे। ले भाई बड़ी मम्मा भी आ गई, मास्क लाई है सहज? पहन लियो क्योंकि ना दिल्ली में पकड़ लेते हैं, फाइन है बिना मास्क पहनने वाले को। मास्क ऑन, अब निकलते हैं फटाफट से लाजपत नगर।
पहुंच तो गए हैं यार हम, उधर जाना सामने, दो मिनट रुक जाओ, अंदर अलाउड नहीं है वीडियो बनाना, बुक लेके फिर मिलते हैं आपसे। तूने चलना सहज, रहने दे बैठ आराम से यहाँ पे। तो बुक हमने ले लिया, अब गाड़ी पे चलते हैं, शीतल और सहज वेट कर रहे हैं और फिर आगे घूमते हुए चलते हैं। हमने नई डिस्कवरी करी है, हेलो करने का तरीका पता क्या है, हेलो 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 क्या खाना है सहज? चिली पराठा। तूने क्या खाने भाई? कुछ भी यार, अब तो ठीक है तू यार, ऐसे तू सुस्त मत रहा यार, अच्छा नहीं लगता। वर्ष का तो मन नहीं कर रहा, सहज ने खाने हैं चिली पोटैटो और शीतल का हम पूछेंगे बाद में। आ गया सहज तेरा खाना, बड़ी मम्मा तो स्पेशल खाना खाएंगी, हम तो लोकल खाना खा रहे हैं, है ना, हम बड़े शरीफ बच्चे हैं ना। ये देख अर्श भी खा रहा है पीछे, ये जो बैठी है ना, ये वाली लेडी, ये थोड़ी हाई फाई चॉइस वाली लेडी है, थोड़ी ऊंची पसंद वाली। क्या क्या खाया मैंने? अब इनको कुतुब मीनार पे चढ़ा के चिली पोटैटो खिलाएंगे, ऊंची पसंद है ना इनके। चलो चलो, ये वाली पेस्ट कौन सी खाएगा? ये वाली कौन सी खानी है बता? ये कह दो उनको, ये वाली ले लो, चोको चिप फसाइए मेरे खेल, साथ में दो पेस्ट्रीज और पैटीज लेनी है ना। सही, तूने क्या खाना है? दो पेस्ट्री पैटीज भी कर दीजिएगा वेज। तो बस यार अभी भी घर पहुंचे हैं, आके कपड़े वपड़े चेंज किए हैं और गर्मी जो है वो पूरे शबाब पे है अपने, बहुत ही ज़्यादा धूप है और बहुत ही ज़्यादा तपिश है। और अर्श ये अपनी बुक भी ले आया साथ में, ग्रेड फोर ग्रेड थ्री इसका हो गया, बस उसका रिजल्ट और सर्टिफिकेट आना बाकी रह गया, वो भी अपने टाइम पे आ जाएगा। और अब ये तैयारी करेगा नेक्स्ट ग्रेड की, अभी एक बुक और आनी है तो वो भी हम शायद नेक्स्ट वीक लेके आएंगे। खाना वाना हमने हल्का फुल्का कर लिया है, अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा खाई है। बाहर गए हैं वैसे तो गाड़ी में इतना पता नहीं लगता, लेकिन गाड़ी से बाहर निकलो तो आपको पता लगता है कि वाकई धूप है भाई। तो अर्श को खानी थी पैटी और साथ में खानी थी पेस्ट्री, तो अर्श पेस्ट्री और पैटी लेके आया अपने लिए और मैं तो करूंगा अब रेस्ट। ये खाएंगे अपना पैटीज वैटीज जो भी इनको खाना है, मैं सिर्फ चाय पीने की कोशिश करूंगा, शीतल को बोलूंगा चाय बना दे मेरे लिए। कौन सी ग्रेड फोर की प्रैक्टिस कर रहा है सर? हाँ, थ्री जैसी है। कुछ तो चेंज होगा यार। हाँ, तो मैं और अर्श आज आए हैं टेरिस पे काफी दिनों बाद और उसका रीजन ये है कि आज जो है ना हवा चल रही है बहुत अच्छी, तो थोड़ा सा रिलीफ गर्मी से मिला है, बड़ा अच्छा फील हो रहा है ऊपर आके। चार पांच दिन से मैंने शेव भी नहीं करी, कल करूंगा सुबह, फिलहाल मैं मजे ले रहा हूँ हवा के और काफी बढ़िया वेदर हो रहा है, काफी अच्छा लग रहा है टेरेस पे आज ऊपर आके। सहज को भी बुलाने की कोशिश करते हैं अगर आएगी तो, और साथ में करुण भी ऊपर ही है, मौज ले रहे हैं करुण। मजा आ रहा है जी? गर्मी खूब मजे ले रहे हैं आज, थोड़ा मौसम अच्छा है, हल्का सा अच्छा है बस, है ना, पैदा हो रहा है थोड़ा, मतलब एंजॉयमेंट हो रहा है छत पे।